तीसरा पॉइंट अपना है ऋणायन का आकार। तो बेटा ध्यान रखना, ऋणायन का आकार भी समानुपाती होता है ध्रुवणता। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऋणायन का आकार बढ़ेगा, माइनस वाले का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणता बढ़ेगी, ध्रुवणता बढ़ेगी तो सहसंयोजक बढ़ेगा, जबकि आयनिक गुण क्या होगा, घटेगा। तो पहला आपका टॉपिक आ रहा है, तीसरा टॉपिक आ रहा है इसमें ऋणायन का आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणता बढ़ेगी। अब देखो इसमें क्या होता है, मुख्यतः एफ वाले आते हैं, हेलोजन वाले आते हैं, एफ सी एल बी आर आई वाले। अब सुनो, आप सबने पढ़ा होगा फिर कल बार आई आंटी, तो ऊपर से नीचे जाओगे तो आकार बढ़ेगा, आकार बढ़ेगा तो ध्रुवणता बढ़ेगी, ध्रुवणता बढ़ेगी तो सहसंयोजक गुण बढ़ेगा, जबकि आयनिक गुण क्या होगा, घटेगा। देखो बेटा इसमें मतलब हो गया कि F से अधिक किसका आकार है, Cl का, Cl से Br, Br का I का, तो I का सबसे अधिक आकार है तो इसकी ध्रुवणता सबसे अधिक, तो ध्रुवणता अधिक होगी, ध्रुवणता सबसे अधिक होगी अधिक, तो इसमें कौन सा गुण भी अधिक होगा, सहसंयोजक गुण अधिक होगा, जबकि आयनिक गुण क्या होगा बेटा, कम होगा, सबसे कम होगा, सबसे अधिक अधिक हो जाएगा ये अधिक। तो बेटा इसमें सबसे अधिक कौन कौन से होंगे, सबसे अधिक देखो यदि आई जिसमें ऑप्शन में चारों में एफ सी एल बी आर आई आता है, शानदार ट्रिक है, एफ सी एल बी आर आई इन चारों में से यदि आई आता है तो आई आएगा तो आई का आकार सबसे अधिक हो रहा है, आकार अधिक होगा तो ध्रुवणता सबसे अधिक आएगी, तो इसमें चारों ऑप्शन दे दे तो आई वाला आता तो सुन लेना कि आई की ध्रुवणता ज्यादा होगी, उसका सहसंयोजक गुण ज्यादा होगा, लेकिन कौन सा गुण कम होगा, ये गुण सबसे कम होगा, कौन सा गुण, आयनिक गुण सबसे कम, ये एक उल्टा है, बाकी सबसे अधिक होगा। इधर देखो एफ वाले में यदि एफ वाला आ रहा है तो एफ वाले में कौन सा गुण कम होगा, एफ वाला आता है तो इसका मतलब समझ में आ गया कि इसका आकार सबसे कम तो ध्रुवणता भी क्या होगी, ध्रुवणता कम होगी, जब ध्रुवणता कम होगी तो बेटा सहसंयोजक गुण भी कम होंगे, सहसंयोजक गुण कम तो आयनिक गुण सबसे अधिक होंगे, कौन से गुण होंगे, आयनिक गुण। तो कुल मिलाकर सुनो, यदि आपको पूछता है ध्रुवणता और सहसंयोजक गुणता है तो आई वाले की ध्रुवणता और सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे और एफ वाले की ध्रुवणता और सहसंयोजक गुण कम होंगे, जबकि यदि आयनिक गुण पूछे तो आई वाले का आयनिक गुण कम होगा और एफ वाले का आयनिक गुण ज्यादा होगा। ये दो प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे अधिक आयनिक गुण, सबसे कम, सबसे अधिक सहसंयोजक गुण, सबसे कम सहसंयोजक गुण। तो आपको ध्यान रखना है एफ आए और आई आए, तो एफ आएगा तो ध्रुवणता और सहसंयोजक गुण कम होंगे, आयनिक गुण ज्यादा, आई आ गया तो ध्रुवणता और सहसंयोजक गुण ज्यादा होंगे और आयनिक गुण क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। पहला ऑप्शन देखो, पहला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसमें आयनिक गुण सबसे अधिक है, पूछा क्या है आयनिक गुण और सबसे अधिक पूछा है, तो आयनिक गुण सबसे अधिक किसमें होता है, एफ में अधिक, एफ माइनस वाले में, और आई माइनस वाले में कम, हो गया समझ में। अब एफ वाला देख लो किसका अधिक होगा, तो ये आएगा, तो आंसर क्या आएगा, चार आएगा। इसी क्वेश्चन में ये पूछता सबसे कम पूछता, सॉरी सबसे कम पूछता, यदि इसी क्वेश्चन में सबसे कम पूछता तो आंसर क्या होता बेटा बताओ, सबसे कम पूछता तो आयनिक गुण सबसे कम किसका होता है, आई का, आई कहाँ है, एन ए आई, आई माइनस में ढूंढना, क्योंकि एन ए पर प्लस आता है, आई पे माइनस आता है, प्लस और माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल, तो आई तो ऑप्शन आ जाएगा पहला। इसके बाद में देखो निम्न में से किसमें सहसंयोजक गुण सबसे अधिक होते हैं, सॉरी सहसंयोजक गुण सबसे कम पूछा है, कम पूछा तो सहसंयोजक गुण देखो, आई का तो सहसंयोजक गुण ध्रुवणता ज्यादा होती है, एफ वाले की ध्रुवणता और सहसंयोजक गुण क्या होता है, कम, तो बताओ इसमें एफ वाला ढूंढो, तो आंसर दूसरा। अब इसी प्रकार क्वेश्चन दूसरा, इसी का तीसरे क्वेश्चन का क्वेश्चन यही है, निम्न में से किसमें सहसंयोजक गुण क्या होंगे, सबसे कम होंगे, तो ऑप्शन चार दिए हुए नीचे, सबसे कम किसमें होंगे, आप एफ वाला ढूंढो, एवॉल्ड ढूंढोगे तो ये हो गया नंबर चार आ गया आंसर, समझ में आ गई। तो दूसरा भी आ गया और ये भी आ गया। इसके बाद में देखो निम्न में से किसमें सहसंयोजक गुण सबसे अधिक है, क्वेश्चन गुण कौन सा पूछा है, सहसंयोजक, और पूछा क्या है, सबसे अधिक, तो सहसंयोजक अधिक किसमें होते हैं, आई वाले में, आई वाले ढूंढो, ये रहा हो गया आंसर, मस्त ट्रिक है, शानदार ट्रिक है। अब पूछा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है,
निम्न में से किसमें से ऐसे गुण सबसे अधिक है, अधिक वाले देखो ऑप्शन देखो MgCl2, MgCl2, MgF2, MgBr2, तो सबसे अधिक वाला कौन सा होगा, आई वाला, तो आंसर हो जाएगा पहला, इसमें दूसरा, इसमें पहला। तो इस प्रकार से ऋणायन का आकार समानुपाती दुर्बणता, तो कुल मिलाकर देखो FClBrI आता है 99.99%, ये क्वेश्चन आता है। और इसमें आई वाला आएगा तो सुन लेना, आई का ऋणायन का आकार सबसे अधिक होगा, दुर्बणता सबसे अधिक होगी, सहसगुण सबसे अधिक होगा, लेकिन आयनिक गुण सबसे कम होगा, आयनिक गुण पर आई सबसे कम होगा। और यदि F आता है तो F में दुर्बणता सबसे कम, सहसगुण सबसे कम, जबकि आयनिक गुण सबसे अधिक होगा। ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसी कॉन्सेप्ट में मैं एक आगे क्वेश्चन और कराऊंगा, जैसे प्रैक्टिस शीट करवाएंगे, कल प्रैक्टिस शीट लेके आएंगे आपके पास और उसके क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है।